नमस्कार करनाल सीएम सिटी की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से टेंट यहां पर लग चुके हैं। जिला सचिवालय में भी टेंट लगे थे और अब यहां पर एक बार फिर दोबारा से टेंट लगते हुए नजर आ रहे हैं। काफी लोगों की यहां पर मौजूदगी देखी जा रही है। जितने भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सोशल मीडिया में काफी प्रख्यात रह चुके हैं भजन सिंह, सीधी इनसे बात करना चाहेंगे। भजन जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? पहले जिला सचिवालय का घेराव किया, अब मुख्यमंत्री के निवास स्थान का घेराव किया। जो घेराव किया गया है वो हमारे यूनियन के ऑर्डर थे, गुरनाम सिंह चुडुनी के ऑर्डर थे, और ये जो भी आगे ऑर्डर आएंगे आज रात तक उनको फॉलो करेंगे, चाहे कल सेक्रेटरिएट का घेरा हो चंडीगढ़ या पूरा करनाल बंद करना हो या पूरा हरियाणा जाम करना हो, जैसे ऑर्डर आएंगे उन्हीं पे हम वैसे के वैसे कार्रवाई करेंगे। और अगर यहीं धरना लगाने के लिए कहेंगे हम यहीं लगा के रखेंगे, पर हमारे को लग नहीं रहा है यहाँ से बात बनेगी, बात को लंबी खींचेंगे। 11 तारीख पकड़ेंगे और जो 25 तारीख दी थी, फिर 1 तारीख दी थी, 11 तारीख दी थी, इन तीनों डेट को देने का सिर्फ एक ही मतलब है भाई, जो ये MSP से नीचे जीरी खरीद के टांका लगाना है 1500 में 1400 1980 नीचे खरीद के, ये टंका जो लगा रहे हैं, कपड़ा जो कर रहे हैं, वही इनका मेन मकसद है। जीरी पक्के हमारी तैयार करी है खेत में और उस पे डोडे भी आ गया, अड़ भी आ गया और ब्लास्ट नाम की बीमारी भी आ रही, हम खेत में उसको रोक नहीं सकते। मौसम भी खराब है क्योंकि अगली फसल की भी तैयारी हमारे को करनी है, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो उसके बाद ये मेरा बिहारी भाई है, ये बिहार से है जैसे, और यहाँ मजदूरी करता है, ये किसान और मजदूर का आंदोलन है और ये हमारे मजदूर भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आंदोलन में खड़े हैं। बिहार में इनकी ऐसी स्थिति खराब हुई है, 2006 से ये कानून वहाँ पे लागू हुए थे, पैक नाम कंपनी है वही फसलों को खरीदती है, जिस फसल को दिल करता है उसको खरीद लेती है, जिसको दिल करता है छोड़ देती है। तो ये आज वहां से यहाँ पे आकर हरियाणा में मजदूर बने हुए हैं, कानून लागू अगर हो गया हमारे विकल्प ये स्थिति हो जाएगी, हमको बिहार में जाके या गुजरात में जाके मजदूर बनना पड़ेगा, अंदानी अंबानी के गोडाउन में मजदूर बनना पड़ेगा। तो पहले भी इस प्रकार से फरमान जारी होते थे कि नहीं धान की फसल अपनी खरीदी जाएगी, 10 दिन बाद रुक कर खरीदी जाएगी, क्या पहले भी ऐसा होता था? पहले ऐसा कभी नहीं हुआ किसी सरकार में, ना ही गेटों के ताले लगाए जाते थे, ना मंडी पे बैरिकेड लगाए जाते थे, भाई किलेबंदी कर दो इनकी फसल, जिस टाइम पकती थी उसी टाइम किसान लेके आ जाता था, ना ही मैसेज की इंतजार करना पड़ता था, मोबाइल पे मैसेज आएगा। और जो हमारे बिहारी भाई हैं ये भी मतलब वहां से आके इतनी आर्थिक स्थिति इनकी खराब हो गई है आज, यहाँ 2004 से वहां पे बीजेपी की सरकार है, अगर उन पे आज किसान ये बिहार का किसान ही नहीं करोड़पति बनाया तो हम इन कानूनों से कैसे करोड़पति बन जाएंगे? लाठ और डंडे के दबाव पे हमारे कानून दिए जा रहे हैं और जो पुलिस खड़ी है पीछे, तो इनके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। पहले पुलिस की फोटो दिखाओ, पहले एक बार फोटो दिखा दीजिए, पुलिस फिर रही है खट्टर निवास के आगे हम करवाल खड़े हैं, तो मतलब इनका इतने मोटे मोटे लठ ले रहे हैं, इतने मोटे मोटे लठ यमाना भेड़ बकरी समझ रहे, एक लठ उठने की गंजाइश नहीं है मेरे मां, फिर मैं प्लास्टिक के मार लो था ना मारने ही हूं। और सबसे बड़ी बात मेरा जो मेन एजेंडा उड़ान का, मतलब लोगों को डरा इस कर काका नहीं आंदा, तो मैं सबसे पहले यार मैंने 30,000 रुपए की सख्त जरूरत था या 2,00,000 रुपए देवेंगे मेरे किसान दुआवेंगे मना जी टटरी फोड़ेंगे, तो मैं एक तो पुलिस वाले से कहना चाहूंगा मुझे लठ मारने भी ना टंगा व मारा माथे पर ना मारा, क्योंकि माथे मैंने फेसबुक पर बोलना पड़ा तो टंगे भरे नारे दिखेंगे। तो मेरा मेन मकसद यू आया, चाहे लठ मारियो चाहे ना मारियो, ना रोड़ा सा पैदी ना लाठी चार्ज हो गया, मैं नाई के खोके में चाहे किसी टीन के खोके में ट्रैली में अपना सिर मार का फोड़ का सीधी मैंने कल्पना चावला हॉस्पिटल में पढ़ना आ जाएगा, कल किसान आंदोलन करके 2,00,000 रुपए दुआवेंगे, उसमें देख 70 का कुछ करियो, 30,000 रुपए की मैंने जोर था उसमें कार में तेल पुआना, आंदोलन में फिरना, सहयोग करना, तो मेन मकसद मेरा यू हुआ। तो पहले सिर फोड़ो उसके बाद पैसा दो, क्योंकि जो जब सिर फूटेगा कोई वीडियो तो बननी नहीं है, वो तो मैंने कहना भाई पुलिस ने मारा मेरा, तो चाहे मैं अपने मार का भग जाऊं, तो ये कहना चाहता हूँ। और जो मेरा बिहारी भाई है जो सपोर्ट कर रहे हैं आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, अपने बिहारी भाई को लेके एक छोटा सा बिहारी भाषा में 2 वर्ड इसकी तारीफ के लिए कहूंगा, जिया हो बिहार के लाला, जिया है तू भोर भवाला, जिया है तू भोर भवाला, ताही नाची के ताही गाई के, ताही नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया, ए हो भैया हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तू भी सुना रे एक गाना, तू भी सुना ना अपनी भाषा बिहारी भाषा में। हाँ। अरे आता है तुमको, एक ठो सुना दे, एक ठो सुना, ध्यान लगाते हैं, नहीं आता है, लगाने आए। तो भजन जी आपने कैसे गा लिया, बहुत सुंदर गा लिया आपने तो भाई साहब। अरे भाई हम सारा दिन इन्हीं के साथ रहता है वहाँ खेत में, हमारा मज का काम भी यही करता है, धान यही लगाता है, सब खेत में हमारा कटाई करता है। आ जा रे भाई इधर गाना सुना रहा नहीं, आ जा एक बिहारी भाषा में कोई बिहारी गाना सुनाएगा। अरे तू गाना तो सुना दे बिहारी, हम भी तो गा रहा है, कोई कोई तेरे को खट्टर कुछ नहीं करेगा, सुनाएंगे खट्टर नहीं कुछ, हाँ सुनाएंगे। वो सुना दे चुनिया के पापा, सुना दे वो अपने मन से। किस प्रकार से अब ये गाना यहाँ पर जो है जरूर सुनाएंगे, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य कर दें, सुना दे भी हमरा होगा देखो। अरे वो सुना ना चुन्नी आके पापा ही हांस देल, रिंकी आके पापा ही हांस देल, मार दे छोड़ देल काट देल ही हांस देल, देखो सुनाओ
अब वो सुना हमारी मुखिया के पापा लहंगा उठा दे रिमोट से। चलो आप एक सुना दो जी, बहुत अच्छा आप गा लेते हैं। सुना दिया मैंने और सवाल पूछो। चलो सुना दो फिर भी एक बार ये और सुना दो। और सुना दिया मैंने और दर्शकों के वो आ रहे हैं नीचे मैसेज आ रहे हैं, भाई साहब बहुत अच्छा गाते हैं, एक बार सुना दीजिए। रिंकी आके पापा ही 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 हांस देल मार देल छोड़ देल नाच देल काट देल ही 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 हांस देल। मनोज तिवारी फ्रॉम बीजेपी के स्टार प्रचारक और मैं किसानों का स्टार प्रचारक, एक बार आने दो यूपी में चुनाव, इनकी साले की बैंड बैंड बजा कर छोड़ दूंगा इनकी। तो बड़ी आप स्टार प्रचारक हैं तो कहीं ना कहीं धमकियां भी आती होंगी आपको आजू बाजू से, कहीं से तो आती होंगी। इतने कुकुर मुत्ते हैं जी, मैं तो फोन नंबर अपना पहले तो मैं लोगों के रखो, 24 घंटे सी चौक फोन रखो, साले का कुछ भी काम नहीं है, तड़की दे शाम तक बकचोदी करने जावेंगे फोन पर, पल्ला घंटा नहीं इनके कुछ नहीं, इनका पल्ला नहीं कर देंगे मेरे कुतड़ेंगे लोग गालम गाली, अपना दिमाग खराब करने वाली बात है, आ जाने इन पर कुछ नहीं है, पता मनाना छिद्रे कुछ नहीं इनके पल्ला, पर फिर भी नहीं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे बेचारे, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे। तो कोई इनाम भी रखा था आपके ऊपर? हां जी 50,000-1.5 लाख रुपया लगा दो, वीडियो दिखा दूंगा। तो ये देखिए किस प्रकार से इनाम भी रखा गया था। भजन सिंह जो कि सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, हालांकि किसान स्टार प्रचारक हैं, आप ये देख सकते हैं साफ तस्वीरों में, जितने व्यूवर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हरियाणा के करनाल जिले से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और दोस्तों ये देखिए, ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से सामने टेंट लगा हुआ है और सभी किसान जो हैं ठीक आवास स्थान के सामने सुबह से ही बैठे हुए हैं, इंतजार इस बात का है कि जब धान की फसल खरीद जाएगी फिर उसके बाद जो है इस प्रदर्शन को यहां से उठा लिया जाएगा। और ये देखिए किस प्रकार से किसानी झंडा हाथ में लिए, और वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के आवास स्थान के ठीक ऊपर जो है तिरंगा भी यहां पर लहराता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, तिरंगा भी लहराता हुआ दिखाई दे रहा है जी। बिल्कुल जी, हम तिरंगे का भी सम्मान करते हैं, अपने किसानी झंडे का भी सम्मान करते हैं, हमारे को दोनों में से किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग हैं जो जुलूल बयानबाजी करते हैं, कमेंट करते हैं, मिसगाइड करते हैं जनता को, आंदोलन को खिलाफ बताते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो इसकी सुन लो भाई जी, ये भाई क्या कहता है जी, धमकी देता है आपको? हाँ, ये मेरी बिरादरी का भाई है, 50,000 रुपये। तो एक तो ये था और दूसरा एक और जो पोस्ट पर रहा भाई, जो किसी भी सरदार न मारोगे 1,00,000 रुपया भजने पोली पोली कड़ा भाई, तुम भी आ जैसे तो बच जा। तो दूसरा युवा जी, अच्छा किसी भी सरदार को मारन के 1,00,000 रुपया मन्ना मोड़ी है ये, अच्छा पोस्ट डाल रहा हाँ। ये सारे बाहर वाले जो है करतूतां कर रहे, अच्छा और ये आंदोलन के भी खिलाफ है हाँ। और किसान कौम के भी खिलाफ है हाँ। और ये मतलब कहीं ना कहीं अपना कोई बीजेपी का एजेंडा चला रहे, जिसकी वजह मतलब कच्चे पट्टे पड़े गए, कच्चे पट्टे खाना दाने नहीं असड़ेंगे, फिर भी बकवास दुनिया भर की करवा लेन पकड़ेंगे। तो बड़े दिनों बाद जो है आप यहाँ पर दिखे हैं, ऐसा हम नहीं बोलते हैं, ऐसा दुनिया बोलती है, लोग बोलते हैं, हालांकि आप दूसरे क्षेत्रों में काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब भी करनाल में कोई बड़ा नेता आता है तो भजन सिंह की मौजूदगी नहीं देखी जाती, ऐसा क्यों और आज क्यों? एक ही बार ही है जैसा पिछली बार जो बस्ताड़ा टोल टैक्स पर लाठी चार्ज हुआ था, और पहली बात मेरे बड़े नेता जी वो सारे पिट लेंगे, उसके बाद मेरी नंबर आवे, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ, सबसे पहले मैं पिट लूंगा, फिर उन्होंने बड़ा कौन कहेगा, मेरे अगू वो पिटेंगे पहला, सबसे पहले मैं जाएगा पिटा, पहली तो बात ये होगी। दूसरी बात उसी टाइम मिसिंग था मैं, दूसरी बात इधर धमकी वाले या बस्ताड़ा टोल टैक्स के आसपास के गाँव लगा लो, करनाल के लगा लो, सारे मेरे खिलाफ हैं बिल्कुल, कोई मेरे को देख के राजी नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं हमने नगर जो बेल्ट है एक नंबर की बेल्ट है बिल्कुल, लाडवा इस्माइलाबाद और सहारनपुर तक मतलब एक नंबर के लोग सारे के सारे, और उस मतलब वो जो बेल्ट है ना सारी की सारी मेरी बिरादरी की, उसमें एक भी आदमी नहीं है, इसी करके मैं सारी सपोर्ट वहीं करूं, खुले दिल के लोग हाँ, बढ़िया प्यार देवा, इज्जत देवा, सम्मान देवा, पैर भी पर नहीं जान खातर उठा। तो भजन भाई बड़ी दिक्कत आती होगी जब आप जंगलात के एरियो से निकलते होंगे या कहीं और जाते होंगे, क्योंकि धमकियां भी मिल चुकी हैं आपकी, तो इसमें ऐसे में काफी दिक्कत होती है अंदर बाहर जाने में? कई बार मेरी जड़ में मोटरसाइकिल लाकर लोग रोक रोक रोक, मैं सोचूं ला भाई आलिया है तो कुकर मुत्ते लट लेगा, फिर वो तार गए मेरे को फोटो ले, फिर थोड़ी ठंड पड़ा कई बार, तो मतलब एक बंदा कल परसों की बात आ, एक बंदा धमकी दे रहे जी हाँ। बोले तेरे को 2 दिन में तेरे पछे मैंने गोली काट दूंगा, मेरे से बोलिया कमेंट में लिख रहे हो, मैंने 2 दिन में पूरा डर डर कर रहा है, मैं कभी साला कभी गोली लेकर आ जा, मैं टट्टी भी नहीं आई मेरी, पटड़ी पे भी जाऊं मैं, पटड़ी पे जाया करूं मारे खेत लाओ नहर की बड़ी, ओडा भी नहीं गया मैं कभी, 14 गोली काट दा 2 दिन बाद, मैंने क्या कहा नहीं उसकी, मगर फोटो तो देख लो सब रहेगी, मैंने देखी फोटो बड़ी सी करके उसकी जो लग रही थी उसके स्टेटस पर, और अपने लाए कर स्पाइट डी सी, उसके कच्छे में इतनी मोटी मोटी टाकी लग रही, 3 कच्छा पटे पटे साले का पाछा दिखने लग रहा है, गोली काट दूंगा 14
खाना तेरा दाने नहीं गरों तेरे मुझसे कूद रहे तो गोली काटेगा गोली तेरे बाप ने भी देखी है कभी छोरी चोर के फिर भी भजन जी आप अपने साथ थोड़ा दो चार दोस्त ऐसे ऐसे रखा करो आप लोग आज किसी के पास टाइम नहीं है मेरे गांव में तो यहाँ इस टाइम इस तरह है करनाल सीएम आवास के आगे एक भी आदमी नहीं है मेरे गवांडा में तो एक भी आदमी नहीं है सच्चाई है इतनी धमकियां मिल रही है तो एक बात हो रहा जी सपोर्ट भी करने वाले बहुत है इस वर्ग के भाई अगर धमकी देने वाले नहीं तो 10 गुना ज्यादा सपोर्ट भी करने वाले इतने ज्यादा उसके 100 गुना ज्यादा सुनने में ऐसा भी आता है कि जब भजन सिंह किसी भी प्रोटेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा जो है एक भीड़ शुरू हो जाती है सेल्फियां लोग खींचते हैं आपके साथ। हाँ जी बिल्कुल मतलब हम किसानों के बेटे हैं किसानों के लिए काम कर रहे हैं अपना कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है और बाहर जाने की अपनी तैयारी आंदोलन खत्म हो जाएगा जब चले जाएंगे नहीं भी खत्म होगा फरवरी में कम से कम चले जाएंगे। और कहने वालों ने ये भी कहा कि भजन सिंह तो सिर्फ एक किसान नेता है किसानी इनको आती नहीं है हालांकि आपने अपनी जमीन के अंदर अपनी खेत के अंदर भी आपने वीडियो जारी की है माना दुनिया भर की वीडियो जी सारी जो जीरी की मारी हुई उसमें जीरी किस टाइम मना पाड़े काटे किस टाइम मना खाड़ दवाई बोया किस टाइम मना भैया जीरी लगवाई किस टाइम मना पत्ता काटा तो एक वीडियो मेरी मेरे पेज पर भजन सिंह मनक माजरा पड़ी है जाकर देख सका खेती करते हैं कि नहीं करते हैं कि राजनीति करते हैं। तो बचपन से मेरा डैडी की डेथ 1998 में हो गई थी उसके बाद आज तक खुद खेती संभाली है रीढ़ की हड्डी टूट रही ट्रांसफार्म पे कितना अपने फूस लाऊंगा रीढ़ की हड्डी दो जगह टूट रही 7-8 में मनका बिल्कुल डैमेज है चंडीगढ़ फोर्टीज में भी लिया जो है प्रवीण गर्ग में 2 महीने कोमा में पड़ा रहा जो दयाल सिंह कॉलेज के पास है प्रवीण गर्ग स्पेशल टिटल तो रीढ़ की हड्डी के जो बीच में कैल्शियम खत्म हो गया बिल्कुल वो डैमेज हो चुकी है 2.5 लाख रुपए मांग रहे भाई इसमें कैल्शियम भर देंगे इसमें 2.5 लाख रुपए नहीं थे तो रीढ़ की हड्डी पे अपने आप ही जुड़ तो अपने आप गई और उसमें 8 मांसपेशियां दब रही जिसकी वजह से सांस की दिक्कत आ छींक की दिक्कत आ ये चीजें मेरी कहीं शरीर में बंद हो रही। भजन जी अगर बात करें तो जैसे आपको बाहर आंदोलनों में प्यार मिलता है आपने कहा कि मेरे गाँव का आंदोलन में कोई भी नहीं है तो क्या आपके गाँव के लोग आपकी बात को नहीं मानते? मानते तो हैं जी पर उनका मैटर ये डरते हैं मतलब आंदोलन में आने से भाई कहीं पर्चा ने दर्ज हो जाए कहीं लाठी ना चार्ज हो जाए शुरू में मैं भी डरता था कोई झूठ ने शुरू में मैं भी डरता था पर आज दिल खुल गया क्योंकि आंदोलन मान लग गए पुलिस वाले भी देख लिया ऊपर से सबसे बड़ी बात यह ये पिटन के पीछे दे तो इस बात की मैंने बड़ी खुशी है मैंने देखा नहीं पीछे से देने लग गए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं मार लेंगे 14 हमारे पीछे तो देखेंगे बात बचा जी ध्यान रखा करो क्योंकि पगड़ी बचाव करती है कुछ बाल भी बचाव कर देते हैं मगर अगर आपके सिर की बात कहें तो परमात्मा की देन समझ गए ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से भजन सिंह ने अपनी बात रखी और स्पोर्ट के लिए खड़े हैं काफी लोग स्पोर्ट के लिए खड़े हैं जो ये एक बंदा दिल से बात करता है ये हम 10 महीने से देख रहे हैं जमींदार का लड़का है छोटे से परिवार से है मध्यम परिवार से है खेती खुद करता है और ये जो काम जो वीडियो वायरल होती है इसकी का कुछ भी होती है ये सोचता है मेरी वीडियो से मतलब किसान जो आंदोलन चल रहा है उसमें जागृति आए और इस लड़के को वाक्य में धमकी आती है इसकी जगह कोई और होता ना या कुछ भी छोड़ के भाग जाता है धमकियाँ जो विदेश में बैठे हो ना ऐसे बोलेंगे हिंदुस्तानियों मतलब सबसे बड़े देशभक्त बनते हैं देश छोड़ के चले गए और इस तरह से ये हमारे टूल टैक्स पे बहुत कम आता है ये कई बड़ी सच्चाई बात बताता है पर हम किसान बैठे हैं जैसे छोटे भाई ने बताया या कैसे बताया इसका जिस दिन हाथ ला दिया ना बस मतलब हरियाणा यार टोल टैक्स सारा पछताड़ा है ना मतलब पहले इसके न्याय को इसके बदला नहीं होगा मतलब कहने का मतलब है कि भजन सिंह हमारा संसार किसान आंदोलन का स्पोक्समैन है और चैलेंज के साथ हम ये कहते हैं हम किसान पुत्र ये कहते हैं कि जिस दिन भजन ने भजन की आंखों में आंसू आ गए या भजन पर किसी ने अटैक कर दिया या भजन को किसी ने हाथ लगा दिया ना उस दिन हम उग्र आंदोलन कर देंगे मतलब छोड़ देंगे नहीं क्योंकि भजन एक वास्तविक किसान है। तो भजन भाई बहुत प्यार करते हैं लोग आपको यार बहुत प्यार करते हैं प्यार भी लोग आते हैं प्यार भी करते हैं नफरत भी करते हैं दोनों ही चीजें हैं जी अगर एक चीज का आदमी का प्यार होएगा तो विरोध भी होएगा। मोदी जी अगर कह रहे भाई सारे देश ने मोदी बनाया तो 544 सीट क्यों नहीं दे दी उसे 303 क्यों दी 544 में बाकी जुड़ सके उसे नफरत ही करे थे वहाँ जी उसने दी 544 दे सकते नहीं उसे इस तरह मेरा जितने प्यार कर रहे हो उतने नफरत भी कर रहे बराबर है दोनों जगह कहानी। चलो अब और जो नफरत करने वाले कुकर मुते बहुत कम प्यार करने वाले बहुत ज्यादा। चलो आखिरी सवाल और ले लेते हैं जब भी
कोई बात करनी मनवानी पड़ेगी सरकार से तो क्या आंदोलन करने पड़ेंगे, क्या टेंट लगाने पड़ेंगे, क्या दरिया लगानी पड़ेंगी, क्या रात को सोना पड़ेगा? फिलहाल तो स्थिति यही लग रही है, जो हालात हैं आगे भी आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से आंदोलन लंबा चलेगा और बीजेपी के पछवाड़े पर लात मारेगा। यूपी में देने बैर करेंगे, यूपी में पांचों स्टेट में करेंगे, जब इनके अकल ठिकाना आएगी, जब सत्ता की कुर्सी पे देने नीचे भगाएंगे, इतने इनके अंक नहीं खुल दिया, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़वाएगा, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, उनके नाम पर ना वोट मिल रही है, ना कोई किसानी मतलब आना, कोई रोजगार था मतलब आना, कोई नौकरी था मतलब ना, स्मार्ट सिटी था मतलब, किस चीज देना कोई मतलब, सिर्फ अपना भरना खाना हर एक आदमी के घर भर रहे, जिसके भर रहे हैं वो किसान आंदोलन के खिलाफ बोल रहे हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी हाथ मिला लिया बीजेपी? बिल्कुल जी, वे सारे के सारे की थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो पंजाब का सीएम है, अभी दिल्ली गया था, उसने कांग्रेस ने छोड़ दिया, उसने कांग्रेस का एहसान नहीं माना, 9.5 साल उसके मुख्यमंत्री रखा, तो जाकर अमित शाह की गुंची भर ली। तो यहाँ वो दल है जो मतलब कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलने के, ना पता क्या कौन सा लात मारता, जाकर दूसरे का गुंजा पकड़ना पड़ जाएगा। यहाँ अपने तो स्वार्थी के लिए मैं उसका 9.5 साल में सीएम बनकर नहीं भरया, ये बताओ जाएगा ना मोदी अपनी कुर्सी बैठा देगा, उन्होंने मोदी अमित शाह की गुंची भर ली जाएगा। तो अमित शाह ने भेजे उसने नौका का खटड़ी में मूंद का, भाई तो काम करिए पंजाब में जाकर अपनी नवी पार्टी बना ले, कांग्रेस की वोट काट, कुछ सीटा हम ले आएंगे, कुछ सीटा तो लिया, गठबंधन से कल्ला सरकार बनाएंगे, फुद्दू बनाने वाला काम करेंगे पंजाब का। पर मैं पंजाब वाले सारे भाई हैं, अगर वीडियो ज्यादा वायरल हो जाए पहुंच जा, तो सब से निवेदन करना चाहूँ, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का लात मारेगा, आम आदमी पार्टी ने जिताओ, ये मैं आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट भी नहीं करता हूँ, पर फिर भी जिंग अभी मतलब विपक्ष बनाना पड़ेगा, तो कांग्रेस बीजेपी दोनों की छुट्टी करके यूपी में अखिलेश यादव ने बना दो, आम आदमी पार्टी ने बना दो, जिस तरह पश्चिम बंगाल में ममता दीदी बनाई है तृणमूल कांग्रेस, हर जगह बीजेपी को कांग्रेस का विरोध करो, दोनों की छुट्टी कर दो। 17 साल नाराज कर लिया, 20-25 साल इन्हें भी कर लिया, कुछ नहीं इनके पास, कहना लूटने लूट रहे हैं और आगे भी लूट दे रहे हैं। लेकिन ये बात तो साबित होगी अगर ऐसे मुख्यमंत्री ने हाथ मिला लिया बीजेपी से, उसके बाद ये बात तो साबित होगी कि हर कोई राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा हुआ है, ये तो बात साबित हो चुकी है। बिल्कुल जी बिल्कुल, सिद्धू और जो ये कांग्रेस भी ना मतलब पंजाब के लोग ना धोखे में आकर दोबारा कांग्रेस बनाया भी थी ना, तो सिद्धू की कैप्टन की इनकी आपस में लड़ाई चलती रहेगी, सिद्धू की चन्नी गिल्लो चलती रहेगी, जो चरणजीत चन्नी नवा डिप्टी सीएम बने हैं, तो इनके आपस में लड़ाई चल, जनता के ना कोई भला करना ना विकास करना कुछ नहीं करना, यहाँ आपस में लड़े जाएंगे, जनता का फुद्दू बनाए जाएंगे, मूर्ख बनाए जाएंगे। तो सबसे निवेदन करना चाहूँ इनका दोनों के लात मारियो, सिद्धू ने, सिद्धू भी एक देशद्रोही है, देशद्रोही जो बाजुओं की गुंजी पर है थोड़ा जगह, तो इन बंदे का मानना अपना पंजाब बचाना, अपना देश बचाना, तो अपील यही है भाई आम आदमी पार्टी ने जताइए उठा, वो भी नहीं जतानी हो और किसी ने जताइए पंजाब में और कोई चीज। चलो ये बात रखी है इन्होंने अपनी और मुख्यमंत्री के आवास स्थान के बिल्कुल सामने इस वक्त हम मौजूद हैं और काफी लोगों से हमने बात भी की और आप ये देख सकते हैं फिलहाल काफी जो किसान हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। अब ये वाला धरना कब खत्म होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। जिला सचिवालय के ठीक सामने जो धरना देखा गया था वो 4 दिन बाद तो समाप्त हो चुका था, अब इसकी अवधि कितने रहने वाली है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आज पहला दिन है, कल दूसरा भी हो सकता है, फिर तीसरा भी हो सकता है, फिर चौथा भी हो सकता है, फिर हफ्ता भी हो सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। टेंट यहाँ पर लग चुके हैं, पक्का मोर्चा यहाँ पर जो है किसानों द्वारा बना लिया गया है, लंगर की व्यवस्था कर ली गई है, पानी की व्यवस्था कर ली गई है, आप ये देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री का आवास स्थान है जहाँ पर एक तरफ जवान खड़ा है और दूसरी तरफ किसान खड़ा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो धान की फसल है वो कब खरीदी जाएगी, क्या 11 अक्टूबर को खरीदी जाएगी या फिर 11 अक्टूबर से पहले खरीदी जाएगी, ये भविष्य के गर्भ में है। अपडेट आपको देते रहिए।